वेलकम टू माई चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ के ऊपर स्वागत है। इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर की चीज़ें हिंदी में लेके आता हूँ, ताकि आप लोग इंग्लिश लिटरेचर को और कन्वीनियंट तरीके से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, एनालाइज कर सकें। इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस पोइम को डिस्कस करने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा वो लिखी गई पोइम है। इससे पहले कि हम लोग पोइम को डिस्कस करें, हम लोग पहले थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे पोइट थे, कैसा उनका लिखने की शैली थी, किस जगह को वो बिलोंग करते थे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम को स्टार्ट करने से पहले दे रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड विनर ऑफ 4 पुलित्ज़र प्राइजेज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेसिकली एक अमेरिकन पोइट हैं और उनको उनकी पोइट्री के कारण ही 4 बार पुलित्ज़र प्राइज के साथ पुरस्कृत किया गया है। फेमस वर्क्स इंक्लूड फायर एंड आइस, मेंडिंग वॉल ब्रिजेस, आउट एंड आउट, नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड होम बरियल। और उनकी कुछ मेन बुक्स हैं, जो उनकी कुछ मेन क्रिएशंस के नाम हैं, मैंने इस लाइन के अंदर मेंशन किए हैं। हिज 1916 पोइम द रोड नॉट टेकन इज ऑफन रेड एट ग्रेजुएशन सेरेमनीज अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट। और आज हम लोग जिस पोइम को डिस्कस करने जा रहे हैं, 1916 में ये पोइम लिखी गई है और बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोइम है, और इसीलिए USA में अक्सर ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ के अंदर, कन्वोकेशंस के अंदर यूथ को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए ये पोइम अक्सर वहाँ पे एज अ फेयरवेल स्पीच भी पढ़ी जाती रही है। एज ए स्पेशल गेस्ट एट प्रेजेंट जॉन एफ कैनेडीज इनॉग्रेशन, फ्रॉस्ट बिकम अ पोइटिक फोर्स एंड द अनऑफिशियल पोइट लॉरेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। उनकी पोइटिक टैलेंट का, उनकी पोइटिक पहचान का हम लोगों को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि जब USA में जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने गए थे, तो उस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को स्पेशल गेस्ट के तौर पे वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अमेरिका के अंदर अनऑफिशियल पोइट लॉरेट के तरीके से भी माना जाता है। और कमिंग ऑन टू अवर टॉपिक, जो आज हम लोग पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोइम द रोड नॉट टेकन। इससे पहले कि हम लोग पोइम को लाइन बाय लाइन समझें, उसकी रेलिवेंस को हम लोग डे टू डे लाइफ के साथ कंपेयर करें, थोड़ा सा आपको इस पोइम के साथ जोड़ देते हैं, आपका इंटरेस्ट बना रहे। ये पोइम बेसिकली लाइफ में डिसीज़न मेकिंग के ऊपर आधारित पोइम है, जिसमें जब हमारे पास एक से ज़्यादा विकल्प हो तो हम लोग किस तरीके से विकल्प को चुने, उस चीज़ के ऊपर जोर डाला गया है। तो इस पोइम में एक जो यात्री है वो एक जंगल से गुजर रहा है, और जाते जाते वो एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है जहाँ से आगे जंगल की तरफ 2 रास्ते जाते हैं और दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। और जो ट्रैवलर है वो डायलमा में है, कन्फ्यूज़न में है। इसलिए कन्फ्यूज़न में है कि अब वो उन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि विकल्प 2 हैं बट जो डिसीज़न लेना है वो एक ही लेना है। तो ये पोइम की मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दी है। वो कौन सा रास्ता चुनता है, क्यों चुनता है, वो एक मिस्ट्री है। जैसे जैसे हम लोग पोइम पढ़ते चले जाएंगे, आप लोग इस रहस्य को अनवील करते चले जाओगे, ये रहस्य आपके सामने खुलता चला जाएगा। तो पहले हम लोग पोइम को पढ़ते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा के अंदर पोइट अपने उसी डायलमा को व्यक्त कर रहा है कि
कि वो चलते चलते वो जो यात्री है एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां से जंगल में अब दो रूट्स जा रही हैं, दो रास्ता आ गया, और उसे अब ये डायलमा है कि दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज करे। द पोइम द रोड नॉट टेकन हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वन ऑफ द प्रोलिफिक इंग्लिश पोइट। मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूनेस इज थिंकिंग एंड एटीट्यूड। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम की दो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, उनके सोचने की जो एंगल है वो उसके अंदर एक नयापन है, वो नयापन शायद ही किसी और पोइट के अंदर या हमें अपने अंदर नज़र आएगा। उनको उनका ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया एटीट्यूड है वो भी एक अलग प्रकार का एटीट्यूड है। और जैसे जैसे हम लोग पोइम को पढ़ते चले जाएंगे हम लोगों को वो न्यूनेस इन थिंकिंग और एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है वो धीरे धीरे एंड तक जाते जाते क्लियर हो जाएगा कि वाकई में जो हम लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में स्पेशलिस्ट पोइम में पढ़ा है वो वाकई में हम लोगों ने शायद किसी और जगह पे इस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेजेंट किया है। इन दिस पोइम टू द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ डिफरेंट आइडिया, दैट इज़ वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ डिफ़िकल्टी इफ़ वी वॉन्ट टू मेक अवर आइडेंटिटी नोन एंड डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। तो नयापन जैसे उनकी पोइट्री की क्वालिटी ही ये है कि उनकी पोइट्री में एक नयापन है, तो इस पोइम में भी एक नया थॉट वो लेके आए हैं, एक नया विचार लेके आए हैं, मॉरल लेके आए हैं, और वो ये मॉरल है कि अगर हम लोग इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें हमेशा मेहनत भरा रास्ता, मुश्किलों भरा रास्ता चुनना चाहिए, तब ही हम लोग दुनिया में एक अलग पहचान बना पाएंगे। अब हम लोग कहेंगे हमारी पहचान तो बनी है, हमारी पहचान का मतलब ये है कि हमारे बाद भी हम लोग ज़िंदा रहे, कैसे, हमारे कर्मों के साथ, हमारी पहचान हमारे नाम के साथ या हमारे कितने साल जी उसके साथ नहीं बनती, हमारे काम कैसे थे, हम लोगों ने किस तरीके के काम किए हैं उसके साथ हमारी डिफरेंट पहचान बनती है। इसीलिए पोइट इस पोइम के अंदर हम लोगों को यही बता रहा है कि अगर हम लोग डिफरेंट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, भीड़ में से अलग नज़र आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत और मशक्क़त और हार्ड वर्क वाला रास्ता चुनना पड़ेगा, तब ही हम लोग एक अलग पहचान बना पाएंगे। द पोइम opens with a traveler passing through a forest and arriving at a point from where two roads are diverging into two different directions. तो पोइम किस कैसे शुरुआत होती है पोइम की? पोइम की शुरुआत हो रही है कि एक यात्री एक जंगल से गुजर रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर। तो यात्री चलते चलते जंगल में एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहाँ से दो अलग अलग रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। द स्पीकर हेयर फाइंड्स अ प्रॉब्लम विच एवरी वन ऑफ अस फेसेस इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ व्हेन वी हैव मोर देन वन ऑप्शन टू चूज। यहाँ पे राइटर ने या ट्रैवलर ने उस प्रॉब्लम को हम लोगों के सामने व्यक्त किया है जो प्रॉब्लम हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी के अलग अलग हालातों में ज़रूर महसूस की होगी, ज़रूर इस प्रॉब्लम का सामना किया होगा जब हमारे सामने भी एक से ज़्यादा विकल्प थे। इसकी अगर एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग ले लें, मैट्रिकुलेशन के बाद हम लोगों के पास बड़े विकल्प थे, चार पांच विकल्प थे, मैं कौन सा विकल्प चूज़ करूं, इसमें हम लोगों को डायलमा था, मैं आर्ट्स चूज़ करूँ, मैं साइंस चूज़ करूँ, मैं कॉमर्स चूज़ करूँ, मैं वोकेशन चूज़ करूँ, मैं किसी और स्ट्रीम को चूज़ करूँ। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि लाइफ में जब ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगी हम लोग उतने ही ज़्यादा डायलमा में, कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे उन ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करते वक्त। क्यों डायलमा में आएंगे वो आगे जाके क्लियर कर रहा है पोइट। द प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट वी कैन नॉट चूज़ बोथ द रोड एट वंस। प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पांच ऑप्शंस थे हमारे पास, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रैवलर के पास दो रास्ते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ना तो हम लोग पांचों ऑप्शन को चूज़ कर सकते थे और ना ही ट्रैवलर
दोनों रास्तों को एक साथ चूज कर सकता था, दोनों में से वो एक ही रास्ते को चूज कर सकता था और दूसरे रास्ते को उसे छोड़ना पड़ेगा। ये हर हाल में यही ही हो सकता है। सिमिलरली द ट्रैवलर फील सॉरी दैट ही कैन नॉट चूज द बोथ रोड। इसीलिए ट्रैवलर डायलमा में अफसोस में भी है कि वो दोनों रास्तों को एक साथ क्यों नहीं चुन सकता। द स्पीकर हैज़ प्रेजेंटेड द मेन थीम्स ऑफ द पोइम दैट इज़ रोल ऑफ चॉइस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ पहले पैराग्राफ में उसने इस पोइम के और दो मेन थीम्स वो हमारे सामने व्यक्त किए हैं और वो है डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटी का, हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस होना, फैसले लेने का, डिसीज़न मेकिंग का हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होनी, उस चीज़ को हमारे सामने व्यक्त किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों के सामने हमारी ज़िंदगी का अनिश्चित होना, ज़िंदगी सर्टेन नहीं है, ज़रूरी नहीं जो सोचे वही हो, ज़रूरी नहीं जो नहीं सोचा वही वो ना हो, इसीलिए इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दारमदार जो है वो टिका रहता है। द प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट ही हैज़ टू ऑप्शन बिफोर हिम एंड ही कैन ओनली चूज़ वन ऑप्शन फ्रॉम द टू। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि उसके सामने दो ऑप्शन थी और वो उन दो ऑप्शन में से वो उन दो ऑप्शन में से केवल एक ही को चुन सकता था। और उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि ऑप्शंस दो थी बट वो उन दो ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन को चुन सकता था। इसी प्रकार से हमारी थी, पांच ऑप्शन थी, पांच में से हम लोग केवल एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते थे। द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो दैट वंस द डिसीज़न इज़ मेड ही कैन नॉट रिवर्ट द डिसीज़न मेड बाय हिम। और ये भी था कि एक बार जिस स्ट्रीम को हम लोगों ने चुन लिया, एक बार उसने जिस रास्ते को चुन लिया, उस फैसले से वो पलट नहीं सकता। इसीलिए वो डायलमा में था कि कहीं उससे गलत रास्ता ना चुन हो जाए। वन ऑफ द कोर आयरनीज ऑफ द पोइम इज दैट इट डज नॉट मैटर विच रोड द स्पीकर चूजेज सिंस वो द रोड्स लीव हिम और हर विद द फीलिंग ऑफ रिग्रेट अबाउट व्हाट ही और शी माइट हैव मिस्ड आउट ऑन। और एक और आयरनी है इस पोइम के अंदर छुपी हुई और वो ये है कि जो मर्जी रास्ता चुन ले, दोनों में से ए चुने बी चुने, हम लोग पाँचों में से जो मर्जी ऑप्शन चुन ले, हमें इस चीज़ का अफसोस ज़रूर रहेगा कि बाकी चार ऑप्शंस में से हम लोग अगर चूज़ कर सकते तो उसके हम लोगों को क्या रिटर्न्स मिलने थे। इसीलिए यहाँ पे भी ट्रैवलर को जो मर्जी रास्ता चुन ले, उसे इस चीज़ का अफसोस ज़रूर रहेगा कि दूसरा रास्ता, उसने जो रास्ता नहीं चुना, उसे अगर वो चुनता तो उसे क्या मिलता। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer though as far that passing there had warned them really about the same। अभी इस पैराग्राफ के अंदर वो एक चीज़ हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऑप्शंस को चूज करने से पहले हम लोगों को हर ऑप्शन को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेना चाहिए। इस पैराग्राफ के अंदर जो पोइट है उन ऑप्शंस को बड़े केयरफुली, दोनों रास्तों को बड़े केयरफुली से एनालाइज कर रहा है। देन द पोइट ट्राइज टू एनालाइज बोथ द रोड्स केयरफुली, हियर केयरफुली ट्राइज टू लुक एट द फर्स्ट रोड, एट फर्स्ट एंट्रेंस बोथ द रोड्स अपीयर टू हिम इक्वली अट्रैक्टिव। वो दोनों रोड्स को अच्छे तरीके से निरीक्षण करने की कोशिश करता है और पहली नज़र में उसे वो दोनों के दोनों रास्ते जो हैं वो बेहतर लगते हैं। उसे लगता है कि दोनों रास्ते जो एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर उसे लगता है एक जैसी अट्रैक्शन है। जैसे हमें लग रहा था कि मैं मेडिकल चुन के डॉक्टर बन सकता हूँ, नॉन मेडिकल चुन के इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं आर्ट्स चुन के सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस खुल जाती हैं, और मैं अगर कॉमर्स चुनता हूँ तो मेरे पास बैंकिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग या बिजनेस के लिए ऑप्शंस खुल जाती हैं। लालच या टेम्पटेशन या अट्रैक्शंस हर एक ऑप्शन में बराबर थी। अब ये हम लोगों ने चुनना था कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है कि मैं किस अट्रैक्शन को
अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक मानता हूँ कि ये वाला रास्ता अगर मैं चुनता हूँ मैं अपनी कैपेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर ढंग से बाहर निकाल सकता हूँ। हाउएवर अ लिटल क्लोजर एनालिसिस मेक्स इट क्लियर दैट एट फर्स्ट इंस्टेंस द फर्स्ट रोड अपीयर्स टू बी अ बेटर क्लेम फॉर हिम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। इन अदर वर्ड इट मीन्स दैट सम पीपल माइट हैव गॉन फ्रॉम देयर एंड इट विल हैव श्योरिटी ऑफ रीचिंग समवेयर। तो वो इट दोनों रोड्स का एनालिसिस करता है, पहले तो दोनों एक जैसी लगती हैं उसे, बट जब धीरे से क्लोजली एनालाइज करता है वो दोनों रस्तों को, तो उसे ऐसा लगता है कि पहला रास्ता ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस रास्ते की घास जो थी उसके ऊपर जो निशान थे वो ये शो कर रहे थे उस रास्ते के ऊपर पोइट से पहले भी कुछ लोग जा चुके हैं। इसका मतलब ये था कि पोइट से पहले भी अगर कुछ लोग गए हैं तो अगर पोइट उस रास्ते को चुनता है उस रास्ते पे चल के उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हासिल होगा, उस रास्ते पे वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पा लेगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर वहाँ पे वो अचीव कर लेगा। इसीलिए पहली नज़र में उसे पहला रास्ता दूसरे रास्ते से बेहतर लगा क्योंकि पहले रास्ते के ऊपर उससे पहले कुछ और लोग भी जा चुके हैं और उसके हिंट कैसे मिलते हैं, वहाँ की जो घास है वो पैरों जैसे जब हम लोग चलते हैं घास के ऊपर वो दब जाती है, वहाँ की जो ग्रास है वो भी दबी हुई थी, वो जो इस बात का प्रतीक थी कि शायद पोइट से पहले भी उस रास्ते पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो इस पैराग्राफ में वो पहले रास्ते को एनालाइज करने के बाद जब दूसरे रास्ते को एनालाइज करता है तो वो पहले रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता चुनने को ठान लेता है। क्यों ठान लेता है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड द पोइट टेक्स द सेकेंड रोड एज अ बेटर क्लेम फॉर हिम बिकॉज इट डज नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग टेकन बिफोर मोर ओवर ही इज़ नॉट श्योर वेदर ही विल रीच समवेयर और नॉट। वो कह रहा है कि दूसरा रास्ता उसको इसलिए बेहतर लगा क्योंकि उस रास्ते के ऊपर उसे ऐसा कोई चिन्ह नहीं नज़र आया, जैसे दूसरे रास्ते पे वांटेड ग्रास थी वहाँ पे कुचली हुई ग्रास थी जो इस बात का प्रतीक थी उस रास्ते से और लोग भी गुजरे, इस रास्ते पे ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जो कि ये इंडिकेट करे कि इस रास्ते पर पोइट से पहले कोई और भी जा चुका है। और इसका मतलब ये था कि उसे ये भी श्योर नहीं था इस रास्ते के ऊपर जाके उसे कुछ हासिल होगा भी या नहीं, वो कुछ अचीव करेगा भी या नहीं। बट फिर भी अब सोचने की बात ये है कि फिर भी उसे ये रास्ता पहले रास्ते से बेहतर क्यों लगा, क्यों बेहतर लगा वो अब हम लोग देखेंगे आगे जाके। इन सिम्बॉलिक सेंस द फर्स्ट रोड रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ इजीनेस इन लाइफ एंड द सेकेंड रोड सिम्बलाइजेज द पाथ ऑफ डिफिकल्टी विच हेल्प्स अस टू मेक अवर आइडेंटिटी डिफरेंट इन द वर्ल्ड। तो अब वो कहता है कि अगर हम लोग सिम्बॉलिक सेंस में देखें पहला रास्ता किस चीज़ का प्रतीक था, वो कहता है कि पहला रास्ता जो है वो इस चीज़ का प्रतीक था जब हम लोग आसान रास्तों को अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए चुनते हैं और दूसरा रास्ता है मुश्किलों भरा रास्ता जहाँ पे बहुत सारी मुसीबतों का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को अपनी मंजिल को पाने के लिए। और पर इस रास्ते पे चलने का बेनिफिट क्या है, इस रास्ते पे चलने का बेनिफिट ये है इस रास्ते पे चलकर हम लोग अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। 100 में से 90 लोग पाथ ऑफ इजीनेस चूज़ करते हैं और 100 में से 10 लोग पाथ ऑफ डिफ़िकल्टी चूज़ करते हैं। और इसीलिए जो 100 में से 10 लोग हैं वो रहती दुनिया तक याद किए जाते हैं और 100 में से जो 90 लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ लोग थे जिन्होंने आसान रास्ता चुना आसान मंजिल चुनी, उन लोगों को कोई भी शख्स याद नहीं करता। इसकी एक बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की। अब जितनी हमारी पॉपुलेशन थी अब सारी की सारी पॉपुलेशन एक साथ एक सुर में विद्रोह कर देती तो अंग्रेज़ एक मिनट भी हमारे सामने टिक नहीं सकते थे। बट वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पाथ ऑफ इजीनेस गुलामी के रास्ते को एक बेहतर विकल्प माना और उन लोगों ने उसी ज़िंदगी को अपना लिया। और 10% लोग ऐसे थे जिनमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स आ जाते हैं जिसमें भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद,
ऐसे फ्रीडम फाइटर्स आ जाते हैं जिन लोगों ने मुश्किलों भरा रास्ता चुना, डिफरेंट रास्ता चुना, और उनकी पहचान दुनिया में अमर हो गई। उनको वो मंजिल मिली नहीं मिली, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में उस मंजिल को अचीव किया नहीं किया, बट जब तक इस दुनिया में भारत देश रहेगा, जब तक हमारा इतिहास रहेगा, इन लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन 90 लोगों को, 90% पॉपुलेशन को हम लोग याद ही नहीं करेंगे, उनमें हमारे पूर्वज भी आ जाते हैं, और उन 10% लोगों को हम लोग याद करते हैं जिनके साथ हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। तो ये इसी चीज़ का प्रतीक है कि मुश्किलों भरा रास्ता हम लोगों को हमारी एक अलग पहचान बनाने में हमारी मदद करता है। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी मंजिल के रास्ते में अड़चने हैं, मुश्किलें हैं, ये हम लोगों को तराशती हैं, ये हम लोगों को परफेक्ट कर देती हैं। जैसे सोने को आग में रखो वो कुंदन बन जाता है और कॉस्टली हो जाता है, उसी प्रकार से ये मुसीबतें, ये डिफ़िकल्टीज़ हम लोगों को और ज़्यादा इनोवेटिव बना देती हैं, और ज़्यादा इम्प्रूव कर देती हैं, और हम लोग और ज़्यादा बेहतर वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और फिर हमारी एक अलग पहचान भी बन जाती है। द पोइट डिस्क्राइब वाई ही चूज द सेकेंड रोड बिकॉज ही नोज दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स लेड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। और पोइट को भी यह भली भांति ज्ञात था कि अगर वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है तो उसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसे भी अलग रस्तों को चुनना पड़ेगा। उस जिस प्रकार से राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों को पता था, इन लोगों ने पता था कि जिस रस्ते पे चल रहे हैं वो लोग शहीद हो जाएंगे, कभी भी उनको मारा जा सकता है, बट उसके बावजूद भी उनको ये पता था कि वो जो करके जा रहे हैं वो आने वाली नस्लों के लिए एग्जांपल बन जाएगी, इसीलिए उन्होंने उस रास्ते को चुना। उसी प्रकार से ट्रैवलर को भी ये भली बात ही ज्ञात था कि अगर वो उस रास्ते को चुनता है तो उसकी भी एक अलग पहचान बन जाएगी। ही इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट That path may be full of difficulties and problems, but still he decides to choose the second path. The traveler is also aware of the fact that once the choice is made, he cannot revert the decision. Then only regret will remain if he makes the wrong decision. इसीलिए पोइट ये भी कहता है, उसे ये भी पता था कि वो एक बार जो उसने चॉइस बना ली उससे वो पलट नहीं सकता। उसे ये भी पता था जो रास्ता वो चुन रहा है वो मुश्किलों से भरा है, इसके बावजूद भी वो इसी रास्ते को चुनता है बहुत केयरफुल अंडरस्टैंडिंग से। बट उसको ये भी पता था कि अगर कहीं उसकी केयरफुल थिंकिंग के बावजूद भी वो गलत चॉइस बनाता है तो वो अपने फैसले से पलट नहीं सकता, उसके पास पछताने के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लास्ट रेंजा, आई शल be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. इस पैराग्राफ के अंदर वो हम सब लोगों को इंस्पायर कर रहा है, हम सब लोगों को अपनी लाइफ का वो इंसिडेंट बता रहा है फ्यूचर में आके, जब उसने इस प्रॉब्लम को फेस किया और किस तरीके से उसकी चॉइस उसने मेक की और किस तरीके से उस चॉइस ने उसकी ज़िंदगी को प्रभावित किया, वो सारी चीज़ों को फ्यूचर में आके अपने पाठकों को, हम लोगों को नरेट करके बताने की कोशिश कर रहा है। इन द फर्दर सेक्शन द स्पीकर रियलाइजेज दैट हिज होप्स टू कम बैक एंड ट्राई द अदर पाथ मे बी फुलिश बिकॉज चॉइसेस वंस मेड कैन नॉट बी रिवर्टेड। पोइट कहता है कि पहले वो सोचता था एक बार मैं इस रास्ते पे चल के देख लूँ फिर मैं दूसरा रास्ता चुन लूँगा, बट वो कहता है कि जैसे जैसे मैं ज़िंदगी में मैच्योर होता चला गया मुझे इस चीज़ का समझ आती चली गई कि ऐसी सोच जो मैं रख रहा था वो मेरी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि एक बार जो मैंने फैसला बना लिया उस रास्ते से मैं पलट के दोबारा वापस नहीं आ सकता। सपोज़ मैंने अब आर्ट्स से BA कर ली है तो अब मैं चाहूँ कि मैं BSc कर लूँ, तो अगर मैं BSc कर भी लेता हूँ नो डाउट मैं कर सकता हूँ, बट जो मैंने पहले 3 साल लगाए उसके अंदर जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया वो किस अर्थ आया, वो मेरे किस बेनिफिट आया। तो इसका मतलब ये है कि एक बार जो हम लोगों ने फैसला ले लिया उससे पलटना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो सकता, हमें हर हाल में उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। Here the poet stresses on thinking seriously before making any choice in our life. Poet इस चीज़ के ऊपर भी जोर दे रहा है
कि हम लोगों को ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का फ़ैसला लेने से पहले अच्छे तरीके से उसके प्रोस एंड कॉन्स को सोच लेना चाहिए, उसके परिणाम को जांच लेना चाहिए, फिर ही किसी डिसीज़न पे पहुंचना चाहिए। इन द फॉलोइंग लाइंस ही टेक्स अ ग्लिम्प्स इनटू अ फ्यूचर दैट माइट बी इन फ्यूचर ही मे बी टेलिंग दिस विद अ साइट टू अदर्स अबाउट द प्रॉब्लम ही फेस्ड वाइल चूजिंग बिटवीन द टू रोड एंड ही चोज द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। तो अब वो अपने फ्यूचर में एक ग्लिम्प्स कर रहा है और वो कह रहा है कि हो सकता है कि मैं ये आहे भरता हुआ आप लोगों को बताऊं कि ज़िंदगी में एक पॉइंट पे मैं भी एक इस मुकाम पे मैंने भी एक ऐसी सिचुएशन को फेस किया था जब मेरे सामने एक से ज़्यादा विकल्प थे और मैंने उस विकल्प को चुना था जिस विकल्प को मेरे से पहले किसी ने नहीं चुना था। यहाँ पे पॉइंट हम लोगों को इस चीज़ के लिए भी इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। अक्सर हम लोग कहते हैं पहले तुम कर लो फिर मैं करता हूँ, क्लास में असाइनमेंट लेनी है, क्लास में आप लोगों को लेक्चर स्टैंड पे डाइस पे आके कुछ बोलना है, आप लोग कहते हैं तुम पहले बोलो। हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो इंसान पहले उठ के खड़ा हो गया उसकी अलग पहचान बन जाएगी, टीचर की नज़रों में भी, क्लास की नज़रों में भी, ये पहला इंसान है जो फटाफट अपने आप खड़ा हो गया। इसीलिए दूसरा तीसरा बनने की बजाय हम लोगों को ज़िंदगी में पहला शख्स बनने की कोशिश करनी चाहिए। हिस्ट्री को आप लोग खोल के देख लो, हिस्ट्री में हमेशा यही पूछा जाता है, हु वॉज़ द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द मून, हु वॉज़ द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, हु वॉज़ द फर्स्ट मैन टू रीच द मून, कभी ये पूछा गया दूसरा तीसरा चौथा आदमी कौन है? कोई नहीं पूछता। इसीलिए जिस इंसान ने उस चीज़ को पाने की पहली शुरुआत की उसी को याद किया जाता है और इसीलिए पोइट ने भी वही रास्ता चुना जिस रास्ते पे उससे पहले कोई नहीं गया। इसीलिए हम लोगों को भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी वो काम करने की कोशिश करें जो हमसे पहले किसी ने नहीं किया, ताकि मेरी एक अलग पहचान हो सके। या फिर हम लोगों को इस तरीके से काम करना चाहिए कि मेरे जैसा काम पहले किसी ने ना किया हो, इस तरीके से हमारी एक अलग पहचान जो है दुनिया में बन जाएगी। इन ब्रॉडर सेंस वी कैन से दैट इफ़ वी वांट टू मेक अवर आइडेंटिटी डिफरेंट इन द वर्ल्ड द पाथ ऑफ डिफ़िकल्टी ऑलवेज प्रूव टू बी द बेस्ट इन द लॉन्ग रन। अगर हम लोग और बारीकी से एनालाइज करें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, मुश्किलें तराश के हमें परफेक्ट बनाती हैं, मुश्किलों भरा रास्ता हम लोगों को कामयाबी के चरम सीमा पर पहुंचाता है। नो डाउट इस रास्ते पे चलते हुए हम लोगों को नाकामयाबी, बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, बट एक बार जब हमें मंजिल मिलती है फिर हमें पहचान भी मिलती है और फिर जैसी कामयाबी हमें मिलती है उस कामयाबी का कोई मैच दुनिया में नहीं हो सकता। Conclusion. To conclude, we can say that this poem is a supreme example of poet's newness in thinking and attitude towards life. तो जिस newness in thinking और attitude towards life की हम लोगों ने first paragraph में बात की थी, वो सारी की सारी चीज़ें अब हम लोगों ने पूरी poem पढ़ ली है तो वो सारी की सारी चीज़ें इस poem में हमें देखने को मिली होंगी। जो नयापन, जो अलग ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमें इस पोइम में मिला होगा वो शायद हमें इससे पहले पढ़ी गई पोइट्री के अंदर या अपनी ज़िंदगी में भी हम लोगों ने कभी ये चीज़ सोची नहीं होगी। हेयर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर द पोइट हैज़ मेड इट क्लियर द डिफ़िकल्ट पार लेड अस टू ग्रेट अचीवमेंट। पोइट ने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों को ये बात समझा दी कि अगर हम लोग बड़ी कामयाबी, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क और पाथ ऑफ डिफ़िकल्टी ही बेस्ट है, मेहनत और मशक्क़त से ही हम लोग कामयाबी की शिखर के ऊपर पहुंच सकते हैं। गलत रास्ते से हम लोग कामयाब ज़रूर हो जाएंगे, बट जितनी तेज़ी से हम लोग कामयाबी की तरफ जाएंगे उससे दुगनी तेज़ी से हम लोग नीचे की तरफ भी आएंगे। मोर ओवर ही हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट वी कैन ओनली चूज वन ऑप्शन एट अ टाइम, सिमिलरली वी मस्ट कीप इन कॉन्सिडरेशन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइस बींग मेड बाई अस बिकॉज वंस द चॉइस इज मेड वी हैव नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट रिग्रेट। इसीलिए वो इस चीज़ को भी हमें भली भांति समझा रहा है कि ऑप्शंस में से हम लोग एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, इसीलिए चूज़ करने से पहले हम लोगों को धैर्य से, आराम से सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक बार हम लोगों ने जो फैसला ले लिया
उस फैसले से हम लोग पलट नहीं सकते। उसके बाद हम लोगों के पास अगर गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं तो पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचता। सो द पोइट वॉन्ट अस टू थिंक सीरियसली बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इन अवर लाइफ। इसीलिए वो चाहता है कि हम लोग सीरियसली किसी भी फैसले को, किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने से पहले सीरियसली सोचें। क्यों सोचें? वी मस्ट एक्सेप्ट दैट वट एवर बी द रिजल्ट ऑफ अवर चॉइस, वी अवर सेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि जो भी मैंने फैसला लेना है उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसके लिए अल्टीमेटली मैं ही जिम्मेदार हूँगा। उसका मुझे फ़ायदा हो, उसका मुझे नुकसान हो, मैं किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मैंने चूज़ करनी थी और मेरी ही डिसीज़न था। इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही हम लोग केयरफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, थिंकिंग के साथ जो है अपना डिसीजन मेड करें। सो केयरफुल थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इन अवर लाइफ व्हेन वी हैव मोर देन वन ऑप्शन बिफोर अस। इसीलिए ध्यान से सोचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये बात कही गई थी कि रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन लाइफ। इसीलिए हम लोगों के अंदर सही ऑप्शन को चूज़ करने की काबिलियत आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की ऑप्शन, किसी से जाके सलाह मांगनी पड़े। अब भाई मेरे पास आप आओगे, मेरे अंदर मुझे लगेगा कि मेरा इंग्लिश स्ट्रीम है, मैं इंग्लिश का आपको सजेस्ट करूं कि आप लोग इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन करो। बट आपके अंदर कौन सी चीज़, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बेहतर ढंग से आपको इंटरेस्टिंग लगता है, किस स्ट्रीम को आप अपना मास्टर मानते हो वो आपको पता है। इसीलिए किसी की एडवाइस कभी नहीं लेनी। आप लोगों को आत्मनिर्भर बनना है हम लोगों को, तभी हम लोग अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। वी नीड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। हम लोगों को अपने फैसले खुद लेने सीखने पड़ेंगे, तब ही हम लोग अपनी पहचान अलग बनाएंगे। अगर मैं कहूं कि मेरी फ्रेंड ने ये की, मेरे फ्रेंड ने ये स्ट्रीम चुनी, मैं भी वो चुनूं, भाई उसका वो मास्टर होगा इसीलिए उसने वो चुन लिया। मैं मेरे सब्जेक्ट का, मेरे अंदर जो मास्टरी है जिस सब्जेक्ट की, मैं उसी स्ट्रीम को चुनूंगा। इसीलिए जब भी हम लोग किसी ऑप्शन को चूज़ करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहले एनालाइज़ कर लें, फिर उन कैपेबिलिटीज़ के आधार पे हम लोग चॉइस मेड करें। और जब हम लोग ऐसा करेंगे फिर हम लोगों के रॉन्ग डिसीजन मेकिंग के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता 100% ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग परफेक्ट नहीं है। तो 99.9% बट हम लोग फिर गलत चॉइस मेड नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.